गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति मैम के बेबीज कैसे हैं? अच्छे हो? मैम भी बहुत अच्छी हैं। मैम आज आपको एक ब्यूटीफुल ड्राइंग एंड कलरिंग कराने वाली हैं। पता है आपको, मैम आज आपको सनफ्लावर बनाना सिखाएंगी और उसके ऊपर एक छोटा सा इंसेक्ट भी बनाना सिखाएंगी। सीखना है आपको तो फिर आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, और जैसे ज्योति मैम ड्राइंग और कलरिंग कर रही है बिल्कुल वैसे ही आपको भी करनी है, ठीक है? इंसेक्ट की ड्राइंग मैम आपको पहले भी करा चुकी है ना। मैम ने आपको स्पाइडर बनाना सिखाया है ना, आज मैम आपको लेडी बग बनाना सिखाएंगी, ठीक है? छोटे छोटे बग्स होते हैं ना, लेडी बग कैसे बनाते हैं मैम आज आपको सिखाएंगी। आपको सीखना है, चलो शुरू करते हैं। बट पिक्चर क्लिक करना नहीं भूलना है, सारे बेबीज को अपना वर्क करने के बाद पिक्चर क्लिक करके ज्योति मैम को जरूर शेयर करना है, ओके? सबसे पहले हमें एक ओवल शेप बनानी है जैसे ज्योति मैम ने बनाई है। उसके बाद आपको लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व, लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व बनाते हुए पेटल्स बनानी है, ओके? अभी हम सनफ्लावर बना रहे हैं और मैम ने आपको पहले भी कई बार बताया है ना सनफ्लावर स्कूल में, तो बहुत इजी ड्राइंग है सनफ्लावर की। बस आपको ऐसे कर्व्स फॉलो करने हैं, ठीक है? लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व, इजी ड्राइंग है, आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है? पहले आप पेंसिल से ड्राइंग करोगे और फिर स्केच पेन से आउटलाइन करना। अब सेंटर में जो ओवल शेप थी उसके अंदर हमें एक बिग सर्कल बनाना है और उसके ऊपर हमें एक और सर्कल बनाना है, बट बड़े वाले सर्कल से एकदम टच करते हुए, ओके? अब हमें उसके अंदर टू आईज बनानी है और ऐसे हमें टू कर्व्स बनाने हैं उसके एंटीनास बनाने के लिए, ओके? और फिर हम उसके फीट बनाएंगे, स्लांटिंग लाइन एंड स्मॉल स्लांटिंग लाइन। फिर सेंटर में हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उसके अंदर हम स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे। ये हमने क्या बना दिया पता है? ये हमने लेडी बग बना दिया है ना, ये हमने एक छोटू सा इंसेक्ट बना दिया। आपको पता है ज्योति मैम ने आपको फ्लावर के ऊपर ये इंसेक्ट क्यों बनवाया? क्योंकि आपको पता चल सके एक फ्लावर के ऊपर ये इंसेक्ट कितना बड़ा दिखाई देता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है? एक फ्लावर के ऊपर आराम से बैठ सकता है, ये 1, 2, 3, 5, 4 इंसेक्ट्स भी एक साथ एक फ्लावर के ऊपर बैठ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब देखो मैम कलरिंग कैसे कर रही हैं। पहले आपको आउटलाइन ऑरेंज कलर से करनी है पेटल्स की, और इनसाइड आपको येलो कलर से फिलिंग करनी है, ठीक है? ध्यान रखना कि कलर बाहर ना निकले और बहुत अच्छे से फिलिंग करनी है बिना वाइट स्पेस छोड़े, ओके? पेटल्स कंप्लीट होने के बाद जो अंदर वाला ओवल था उसमें हम पहले लाइट ब्राउन कलर से कलर करना स्टार्ट करेंगे, ओके? पूरा ओवल ब्राउन कलर से, लाइट ब्राउन कलर से फिल करने के बाद जो सर्कल्स होंगे उनको हम डार्क ब्राउन कलर से फिल करेंगे, ओके? ध्यान से देखो ज्योति मैम कैसे कर रही हैं, आपको भी स्लोली स्लोली ऐसे ही ध्यान से फिलिंग करनी है। और जो ये ड्राइंग बनानी है वो फाइल में बहुत बड़ी ड्राइंग करना ताकि कलरिंग करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? एंड जो स्मॉल सर्कल्स हैं उसमें जब डार्क ब्राउन कलर करोगे तो ध्यान रखना बाहर ना निकले, ओके? और जो शेप है वो सर्कल ही रहे, ऐसा मत करना कि ओवल कर दो या फिर लाइंस बना दो। जैसे मैम ने सर्कल में कलर फिल किया है आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है? तब वो बहुत प्रिटी लगेगा, ओके?
अब हम अपने इंसेक्ट में कलर करना शुरू करेंगे। लेडीबग रेड कलर एंड ब्लैक कलर का होता है, ओके। उसकी जो बॉडी होती है वो रेड कलर की होती है और ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं उसकी बॉडी पर। आप ध्यान से देखो ज्योति मैम कैसे कलर कर रही है, आपको बिल्कुल ऐसे ही कलर करना है। जो फेस वाला पार्ट है वो ब्लैक कलर से फिल करेंगे, ठीक है। स्पॉट्स ब्लैक कलर से करेंगे और बॉडी को हम रेड कलर से करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ज्योति मैम कलर कर रही हैं आप भी मैम के साथ कलर फिल करो। वाओ, अब हमारी कलरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप चाहो तो ऐसे फ्लावर के सेंटर में आउटलाइन भी कर सकते हो अगर आपका मन करता है तो। उसके बाद में आपको फ्लैट कलरिंग करनी है ग्रीन कलर से, ओके। बैकग्राउंड कलरिंग ज़रूर करनी है, आप हमेशा भूल जाते हो, ज्योति मैम को फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुंदर सुंदर कलरिंग करनी है ना, तो बैकग्राउंड भी आपको हमेशा कवर करना है, ठीक है। फ्लैट कलरिंग करो ग्रीन कलर से और फिर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, ओके। फ्लैट कलरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पिक्चर क्लिक करके ज्योति मैम को शेयर करनी है, ओके। भूलना नहीं है और अपनी क्लास नेम ज़रूर लिखना है, ठीक है। आप बिना अपना नेम लिखे मैम को पिक्चर शेयर कर देते हो और मैम को पता ही नहीं चलता है कि आप कौन सी क्लास में हो, ठीक है। अपना नेम ज़रूर लिखना है और ज्योति मैम को पिक्चर ध्यान से शेयर कर देनी है और बहुत अच्छे से ड्राइंग करनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा, ओके। आपको पता है लेडी बर्ग के 6 लेग्स होते हैं, अभी मैम ने आपको 4 लेग्स बना के दिखाए थे ना, आपको 2 लेग्स और ऐड करने हैं, ठीक है। हमें 6 लेग्स बनाने हैं उसके। ज्योति मैम को ये एक्टिविटी करके बहुत मज़ा आया, आपको भी आया ना, वेरी गुड। अब आप मैम को पिक्चर शेयर करना और इन्जॉय करना। बाय बाय।